Did you hear about the wells of oil? No, I haven't. Let's go to this city to reopen the wells of Paul. I'm gonna show you these wells now. Great. Yeah. Okay. What that means? This is spiritually. Yes. The well is where the living water comes up. Yes, it is. Yes. Yes. Okay. Because spiritually we are, they are almost dead. Yeah. We're gonna reopen it. Okay. Yeah, that's true. It is same in the Old Testament as well. Yeah. हमारे साथ यूनान करंथस के एक पादरी साहब भी हैं और वो कहते हैं कि आए हम पौलुस के वो कुएं जो माजी में थे उनको फिर से खोदें. इसका ये मतलब नहीं कि जिस्मानी तौर पर ऐसे कुएं जहां से पानी निकलता था, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि जो जिंदगी के पानी की नदियां, नहरें, चश्मे हैं वो फिर से हम उनको बेदारी की तरफ लाने वाले हों, उनको फिर से खोदें, फिर से उसी तरह का काम हो, बेदारी आए, लोग खुदावन यीशु मसीह को जाने. ये वो बात कर रहे हैं रूहानी पहलू के इत्तेफाक से. आमीन, हालेलुया. सो आई एम गोना शो यू दिस वेल्स नाउ. आमीन. ओके ओके पास्टर. और ये आप पत्थर देख रहे हैं जैसे ये गोल हुए हुए हैं और इनमें और सुराख हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें सुराख हैं, ये पड़ा हुआ है. और ये तमाम पुराने वक्तों के ये पत्थर हैं जो हमें नजर आते हैं, लगता है जैसे स्टोन टाइप हैं, उस पुराने वक्त के, पुराने दौर के, पहली सदी ईसवी के, इवन उससे भी पहले के रोमी दौर के हो सकते हैं, क्योंकि रोमी दुनिया तो इधर सब मकेदुनिया से लेकर दूर दूर तक यानी रोमी दुनिया थी. और यहाँ के जो हमारे साथ भाई हैं वो कहते हैं कि शायद 30 साल पहले एक बहुत बड़ा जलजला आया और जिससे बहुत उल्ट पुल्ट हुआ है, क्योंकि यूनान में काफी जलजले आते हैं. लेकिन शुक्र है कि इतना ज्यादा खतरनाक तो माजी में नहीं रहे, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे रहे हैं जैसे मैंने जिक्र किया. और तकरीबन 30 साल पहले जलजले आए और काफी सारे नुकसान हुए हैं. जी भाई क्रिस्टोफर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी ये देखें, ये मैं पत्थर को देख रहा था तो यूं लगता है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर वो किया जाता था और फिर इनको इसी तरीके से हाँ उनको वो किया जाता था, जॉइंट किया. और जी सिस्टर जी, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा. और अभी हम जाके वो कुएं देखते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं. आइए हमारे साथ चलो.